हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट सेटिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनिशिएशन ऑफ पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आप लोग अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पॉइंट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। आज मैं पॉइंट को ऑटोकैड के लैंग्वेज में डिफाइन करता हूँ। पॉइंट इनिशिएशन ऑफ अ लाइन और ऑब्जेक्ट। पॉइंट का कमांड पॉइंट्स होता है। शॉर्टकट पी ओ इंटर। मेथड ऑफ ड्रा पॉइंट ऑन वर्क स्पेस। पी ओ इंटर क्लिक ऑन वर्क स्पेस। दोस्तों, आप लोग को पॉइंट वर्क स्पेस पे बहुत छोटे रूप में दिखाई दे रहा होगा। इसे बड़ा करने के लिए हम लोग पॉइंट स्टाइल को यूज करते हैं, जिसके लिए फर्स्ट क्लिक ऑन कमांड बार, राइट DDPT इंटर पॉइंट स्टाइल ओपन ऑन वर्क स्पेस सिलेक्ट पॉइंट स्टाइल टाइप। यहाँ से हम लोग पॉइंट स्टाइल को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ओके। वर्क स्पेस पे पॉइंट का साइज बड़ा दिख रहा होगा। सेकेंड मेथड फ्रॉम टूल बार। हम लोग टूल बार के मदद से पॉइंट स्टाइल सिलेक्ट करते हैं। गो टू यूटिलिटीज टूल बार, क्लिक ऑन पॉइंट स्टाइल एज सेम एज फर्स्ट। यहाँ से हम लोग पॉइंट स्टाइल का साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं। क्लिक ओके। यहाँ से वर्क स्पेस पे आप लोगों को पॉइंट का साइज बड़ा दिख रहा होगा। नोट विल इंक्रीज और डिक्रीज द पॉइंट साइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। हम लोग पॉइंट कोऑर्डिनेट पता करने के लिए पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं। इसके लिए फर्स्ट क्लिक ऑन कमांड बार, सेकेंड राइट ID इंटर सेलेक्ट पॉइंट पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शोज ऑन वर्क स्पेस और कमांड बार कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। इन ऑटोकैड एवरी पॉइंट इन आइडेंटिफाइड बाई इट्स एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट। दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इज रेफर्ड एज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम और WCS। WCS का फुल फॉर्म ही वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। हम लोग ऑटोकैड में फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट में ड्रॉइंग बनाते हैं। इसी को हम लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑल इनपुट पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करता है ये एक्स एंड वाई। सिंटैक्स, जिसका लिखने का तरीका, सिंटैक्स सिंटैक्स ऑफ एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई। टेक्स्ट में लिखने का तरीका, किस प्रकार हम ऑटोकैड में एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखते हैं एक्स और वाई, आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक्स जो है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई वर्टिकल एक्सिस। सीधा इसमें इतना जानने से अच्छा मैं एक पॉइंट में आपको बताता हूँ। ओरिजिन जो होता है हमारा विल बी फिक्स्ड। इसमें ओरिजिन हमारा वैरी नहीं करता। जो एक बार ओरिजिन को मान लेते हैं वो हमारा फिक्स रहता है। ओरिजिन विल बी फिक्स्ड। सेकेंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। आफ्टर लोकेटिंग द फर्स्ट पॉइंट योर नेक्स्ट पॉइंट कैन बी इंटर बाई स्पेसिफाइंग द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट रिलेटिव टू द फर्स्ट पॉइंट। इसमें हम लोग नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को रिलेटिव टू द फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसका लिखने का तरीका होता है एट द रेट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। एक्स हमारा सेम एज वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस, बाई हमारा वर्टिकल एक्सिस। जो एट द रेट का साइन है वो हमारे रिलेशनशिप को बताता है, रिलेशनशिप।
ओरिजिन विल बी इन पॉइंट ऑलवेज। हमारा ओरिजिन फिक्स्ड नहीं होता है इसमें, इसमें जब भी हम ओरिजिन को लेते हैं जो लास्ट पॉइंट मेरा बना हुआ होता उसको हम ओरिजिन मार्कर ही बनाते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आफ्टर लोकेटिंग द फर्स्ट पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी यूज्ड व्हेन यू नीड टू ड्रा द नेक्स्ट पॉइंट आई स्पेसिफाई एंगल। इसमें एंगल के थ्रू हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को टेक करते हैं। इसका लिखने का तरीका एट द रेट, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते हैं, लेस देन एंगल, जो हमारा एट द रेट है वो रिलेशनशिप है, और लेस देन जो है ये हमारा एंगुलर मूवमेंट को बताता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिटेल में एक लेक्चर लेकर आएंगे जिसपे न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।